हेलो लर्नर्स वेलकम टू जल्द तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टेटिक्स यानी कि स्टेटिसकल मेथड के, के कोरिलेशन एनालिसिस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन एनालिसिस इज ए तो कोरिलेशन एनालिसिस क्या है यूनिवेरिएट एनालिसिस है बाईवेरिएट एनालिसिस है मल्टीवेरिएट एनालिसिस है तो देखिए कोरिलेशन क्या है कोरिलेशन दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच के रिलेशन में हम फाइंड आउट करते हैं तो बट ओवे तो बात है बाईवेरिएट हो सकता है या फिर मल्टीवेरिएट दोनों हो सकता है तो बोथ बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन है कोरिलेशन एनालिसिस इज ए बाईवेरिएट एनालिसिस एज वेल एज मल्टीवेरिएट एनालिसिस नेक्स्ट है इफ चेंज इन वन वेरिएबल रिजल्ट ए कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन अदर वेरिएबल देन द वेरिएबल आर अगर एक वेरिएबल में कोई चेंज करते हैं तो सेम कॉरस्पॉन्डिंग

टू भी पॉजिटिव यानी कि दो वेरिएबल है उनकी वैल्यू सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो रिलेशन क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा वहीं पे नेगेटिव कब होगा वेन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन वेरिएबल का जो वैल्यू है वो आगे जा रहा है और दूसरे वेरिएबल का जो वैल्यू है वो पीछे आ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या हुआ वहां पे नेगेटिव कोरिलेशन है अगर पॉजिटिव है तो यानी कि सेम डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल के जो वैल्यू है वो मूव कर रहे हैं नेक्स्ट है डैश अटैम्प टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल नीचे दिए ऑप्शन में से बताना कि कौन सा एनालिसिस है जो कि अटेम्प्ट करता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए रेगुलेशन एनालिसिस को रिलेशन एनालिसिस इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस

को रिलेशन भी कहते हैं नेक्स्ट है स्कैटर डायग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड जो स्कैटर डायग्राम होता है हम उसको किस नाम से जानते हैं डॉट चार्ट के नाम से भी जानते हैं कोरिलेशन ग्राफ के या फिर बोथ ए बी डॉट और कोरिलेशन दोनों के नाम से या फिर नन ऑफ दस तो जो स्कैटर डायग्राम होता है हम उसको डॉट चार्ट के नाम से जानते हैं आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जिस तरीके से चार्ट है यहां पे सेल्स और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप शो किया गया तो यहां पे देखिए डॉट डॉट में जो है चीजों को दर्शाया गया है वैल्यू को शो किया गया था इसको हम क्या इसको कहते हैं डॉट चार्ट कहते हैं तो ये स्कैटर डायग्राम भी कहलाता है नेक्स्ट है इफ ऑल पॉइंट ऑफ ए स्कैटर

आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा स्ट्रेट लाइन के किधर फॉल हो रहा है नेगेटिव कोरिलेशन में स्ट्रेट लाइन के किधर फॉल हो रहा है और नो कोरिलेशन में लाइन के जो है किस साइड जो है स्कैटर है वो फॉल हो है तो यहाँ पे ऊपर देखिए क्वेश्चन क्या था इफ ऑल द पॉइंट ऑफ स्कैटर डायग्राम लाइन ऑन स्ट्रेट लाइन फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट अपर कॉर्नर टू राइट बॉटम कॉर्नर तो लेफ्ट से राइट बॉटम कॉर्नर में जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं नेक्स्ट है न्यूमेरिकल मेजर ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड कॉल्डो अगर हम न्यूमेरिकल मेजर करें कोरिलेशन को तो उसको क्या कहेंगे कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन कॉफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन कॉफिशियंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन या फिर कॉफिशेंट ऑफ रिग्रेशन तो करेक्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन है कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन अगर हम न्यूमेरिकल मेजर करें कोरिलेशन का तो ये कोरिलेशन का फॉर्मूला है आपको इसको याद कर लेना चाहिए नेक्स्ट है कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन

रेनफॉल होगा और वेट ऑफ पीपल दोनों के बीच में क्या रिलेशन है इसका क्या यूज़ होगा कोई यूज़ नहीं है तो मीनिंगलेस से कोरिलेशन है स्पोरियस से नॉन कोरिलेशन है कोई मतलब ही नहीं है इसका ठीक है ऑल ऑफ द एबव मीनिंगलेस है स्पोरियस और नॉन है इसका कोई भी यूज नहीं है रेनफॉल होगा और वेट ऑफ पीपल के बीच में अगर हम रिलेशनशिप निकाल भी लेते तो कोई भी यूजफुल नहीं है वो नेक्स्ट इफ आर इक्वल टू वन द प्लस वन द को रिलेशन इज सेट टू बी अगर आर की वैल्यू प्लस वन है तो कोरिएशन क्या क्या कहलाएगा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरेशन हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन या फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरलेशन तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन अगर आर की वैल्यू प्लस वन है तो कोरेशन परफेक्ट पॉजिटिव कोरलेशन कहलाएगा वहीं पर कोफेशन ऑफ कोरिलेशन एक्सप्लेन कोफिशन ऑफ कोरसप्लेन वहीं पर है को ऑफिशियंट ऑफ कोरिलेशन एक्सप्लेन क्या एक्सप्लेन करता है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल डिग्री को डायरेक्शन को बोथ ऑफ द या फिर नॉन ऑफ द तो को ऑफिशियंट ऑफ कोरिलेशन एक्सप्लेन डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल दो वेरिएबल के बीच में डिग्री और डायरेक्शन दोनों का रिलेशनशिप शो करता है तो करेक्ट ऑप्शन किया कर जाएगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एब नेक्स्ट है रैंक को रिलेशन कॉफिशियंट वॉज डिस्कवर्ड बाई तो रैंक को रिलेशन कॉफिशियंट किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था फिशर द्वारा स्पियरमैन द्वारा कार्ल कार्लियरसन द्वारा फिर ऑप्शन डी बाउली द्वारा तो आपने नाम सुना होगा स्पेयरमैन रैंक को रिलेशन तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी स्पियरमैन ने इसको डिस्कवर किया था रैंक कोरेशन कॉफिशियंट को फॉर्मूला आपके सामने है नेक्स्ट है रैंक को रिलेशन कॉफिशियंट इज बिटवीन प्लस वन टू माइनस वन ये भी याद रखे कि को रिलेशन कॉफिशियंट जो होता है रैंक का वो प्लस वन से माइनस वन के बीच में होता है फिर है प्रोबेबल एरर इज यूज टू जो प्रोबेबल एरर होता है उसका यूज कहाँ होता है

स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ स्टैंडर्ड एरर के साथ कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन के साथ या फिर नन ऑफ देश तो कोरिलेशन एनालिसिस में प्रोबेबल प्रोबेबल एरर जो होता है वो स्टैंडर्ड एरर इनटू टू पॉइंट सिक्स सेवन फोर फाइव होता है तो क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी स्टैंडर्ड एरर ये फॉर्मला आपको याद करना होगा नेक्स्ट है कोरिलेशन एनालिसिस बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय कीपिंग द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट इज कॉल्ड जब कोरिलेशन एनालिसिस आप करते हो किसी डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ और बाकी जो इंडिपेंडेंट वेरेबल उनको कॉन्स्टेंट कर देते हो तो उसको तो आप क्या कहोगे पार्सियल को रिलेशन मल्टीपल को रिलेशन नॉनसेंस को रिलेशन या फिर सिंपल को रिलेशन तो इसको कहते हैं पार्सियल को रिलेशन यानी कि एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट रहेगा और एक बाकी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कॉन्स्टेंट रख देते हैं इसको पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं वहीं पर मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है स्टडी ऑफ कोरिलेशन अमाउंट थ्री और मोर वेलेबल से यानी कि एक ही साथ जब आप तीन या उससे ज्यादा चीज़ों के कोरोन को स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं नेक्स्ट है इफ आर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज तो क्या होगा अगर आर की वैल्यू जीरो पॉइंट एट है तो को एफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन कितना होगा तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका फॉर्मला है अभी आप अगले एम सी स्यू में देखेंगे तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्सटी फोर परसेंट आर स्क्वायर होता है सिक्सटी फोर परसेंट आर स्क्वायर क्या होता है कोफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन

नेक्स्ट है इफ आर इज द सिंपल कोरिलेशन रिलेशन द क्वांटिटी वन माइनस आर स्क्वायर इज नॉन एज अगर आज जो है सिंपल कोरिलेशन कॉफिशेंट है तो क्वांटिटी जो है वन माइनस आर स्क्वायर वो क्या कहलाएगी को ऑफ डिटर्मिनेशन को ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन या फिर कोफिशियंट ऑफ एलाइनेशन या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस तो अभी आपने देखा को ऑफ डिटर्मिनेशन क्या था अब आर स्क्वायर तो वन माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी को ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन हो जाएगा ये कुछ एमसीक्यूज थे कोरिलेशन एनालिसिस से तो विश यू ऑल द बेस्ट की वाचिंग सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस थैंक यू